हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। इसके लिए हमने लिया है जीरा आधा चम्मच, ये चार पांच लौंग, नमक दो चम्मच। ये हमारे चावल हैं तीन गिलास, जो हमने धो के साफ़ कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम चावल बना रहे हैं आज। इसके लिए हमने दो चम्मच तेल डाला है, उसमें हमने तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है। इसमें डालेंगे पाँच छः लौंग, और गैस को जो है लो फ्लेम भी कर लेंगे क्योंकि हमारी ये लौंग पटकेंगे जरूर। इसमें डालेंगे चावल। हम इसमें दो चम्मच नमक मिक्स कर देंगे। हमने इसमें दो चम्मच नमक मिक्स कर दिया है। हमने इसको अच्छे से चावल के साथ मिला लेंगे और चावल को जो है करीब 5 मिनट तक हम भून लेंगे। ये हमारे चावल जो है करीब 5 मिनट तक भून गए हैं, देखिए। चला लेंगे ताकि हमारे चावल जो है सूखे नहीं। पानी डालेंगे, ये हमारे जो है 3 गिलास चावल हैं और इसमें हमने जो है 6 गिलास पानी डाला है क्योंकि 1 गिलास चावल में जो है हम 2 गिलास पानी डालते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और नमक जो है अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये हमने बासमती चावल लिया है, कच्ची बासमती का चावल है ये जो हम बना रहे हैं, और हमने इसको पहले 1 घंटा भिगोया भी था। हम इसको ढक देंगे और करीब 20 मिनट बाद ही हमारे चावल बनके तैयार हो जाएंगे। हमारे चावल है वो 20 मिनट बाद बनके तैयार हो गए हैं। हम देख लेते हैं हमारे जो चावल है वो बने नहीं। तो देखिए 20 मिनट बाद जो है हमारे चावल कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और करीब 5 मिनट तक हमने इसको ढक के छोड़ दिया था ताकि जो हमारे चावल जो है वो थोड़े से अच्छे से बन जाते हैं। हम इसको अब चला के देख लेंगे। ये देखिए हमारे चावल जो है बिल्कुल खिलवा बने हैं। ये देखिए
ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, और आप बहुत ही ईजी तरीके से चावल बना सकते हैं। करीब 20 मिनट में हमारे चावल हैं बनके तैयार हो चुके हैं। एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। इसके लिए हमने जो है 1.5 कटोरी छोले लिए हैं, वो हमने जो है रात को भिगो दिए थे। पूरी रात भिगोने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा थोड़ा डाल के 2 सीटी आने तक हमने छोले को जो है उबाल लिया है। ये हमने लिया है प्याज एक बारीक कटी हुई, ये हमने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच किचन किंग। ये हमने लिया है अदरक लहसुन प्याज जीरा धनिया का पेस्ट, ये हमने लिया है 2 चमचे के करीब। ये हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 2 चमचे, ये हमने लिया है हमारा ये जो है 4-5 टमाटर का पेस्ट है 1 कटोरी, बनाना शुरू करते हैं छोले की सब्जी। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें करीब 2 चमचे के करीब तेल गरम कर दिया है। तेल गरम करने के बाद उसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा डाला है। अब इस जीरे को धोए हैं, जीरे को गरम होने देंगे। अब जीरा हमारा जो है गरम हो चुका है, इसके हम डालेंगे इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई, हम प्याज को जो है हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 लहसुन प्याज धनिया और जीरे का पेस्ट 2 चमचे। अब इसको जो है हम करीब 10 मिनट तक भूनने देंगे। अभी हमारा मसाला जो है करीब 10 मिनट भूनने के बाद जो है हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। मैं इसको आपको जो दिखा देती हूँ, देखिए इस पर जो है ऊपर तेल जब आ जाता है ना, हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक हम जब तेल आ जाता है इसके ऊपर मसाले के ऊपर, तब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाता है। ये देखिए भाई मसाले के ऊपर अच्छे से तेल आ गया है। इसमें अब 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। टमाटर का पेस्ट है हमारा 1 कटोरी, इसको डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच किचन किंग, 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि हम नमक फ्रेंड्स कम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है नमक वो पहले ही छोले के साथ डाल रखा है जो हमने छोले उबाले थे। 1 चम्मच मिर्च,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 15 मिनट तक इसको भूनेंगे मसाले को। पानी ऐड कर लेंगे आधा कटोरी के करीब ताकि हमारा जो मसाला है वो भुने नहीं, और इसको भी पानी को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। करीब 15 मिनट तक इस मसाले को हमें भूनना है। देखिए हमारा जो है 15 मिनट के बाद मसाला भून के तैयार हो गया है। देखिए जो हमारे मसाले पे जो है तेल आना शुरू हो गया है। मसाला भूनने के देखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मसाले पे हमारे तेल आने लग जाता है तो हमारा मसाला भून जाता है, या इसमें से एक खुशबू आने लग जाती है अच्छी सी तो वो भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा मसाला जो है भून चुका है। छोले ऐड कर देंगे। ये हमारे जो है 1.5 कटोरी छोले ऐड कर रहे हैं हम इस मसाले में। हम छोलों को जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे छोले हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेक्सचर आए। गैस का फ्लेम हमने तेज कर लिया है ताकि हमारे जो छोले हैं वो मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। 5 मिनट तक जो है हम मसाले के साथ छोलों को भून लेंगे, फिर हमारे छोले का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए जो है हम छोले को कवर कर देंगे करीब 5 मिनट तक। अब हमारा जो है मसाले के साथ छोले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारे छोले जो है मसाले के साथ अच्छे से भुन गए हैं और इसमें पानी डालेंगे। दो गिलास पानी तो हमारा वो है ये जिसमें हमने छोले उबाले थे, छोले के साथ उबला हुआ पानी है ये 2 गिलास। पानी इसमें हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे। हमने जो है करीब 4 गिलास के पानी इसमें ऐड कर दिया है छोलों में। हम छोलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब 15 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि हमारी सब्जी जो है अच्छे से बनके तैयार हो जाए। और नमक हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि हमारा नमक जो है छोले में कम तो नहीं है, और अगर नमक कम हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और 10-15 मिनट तक हम सब्जी को पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो है छोले की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम 1 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर देंगे और सब्जी साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए। सब्जी बनने के बाद देखिए कितनी अच्छी बनी है। और जो हमारी सब्जी है वो ग्रेवी के साथ हमने बनाई है और ग्रेवी के साथ हमारे छोले बहुत ही अच्छे बने हैं, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। हमने जो है मसालेदार छोले बनाए हैं, प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है छोले चावल को सर्व कर लिया है। देखिए छोले चावल सर्व करने के बाद हमारे कुछ इस तरह से बने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे छोले कितने टेस्टी लग रहे हैं और कितने अच्छे जो हैं हमारे छोले ग्रेवी के साथ बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, और ये हमारे चावल भी बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो आज हमने बनाया है छोले चावल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।